चलो यार हम भी एक दिल्ली में अपना रॉकेट भेजते हैं, एक चांद पर गया है रॉकेट तो हम एक दिल्ली में भेजते हैं। क्या बात है जी। तो पहले हमें सोल्डिंग करनी पड़ी होगी यहाँ पर, यो बल्ब। अरे इसकी बहन का रुक क्यों नहीं रही है वो, अरे तो गाइस यार इस तरीके। अरे 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 यार अभी जला देता हमारी मैच को, चलो इसे साइड में रखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप? तो गाइस अगर आप भी इस तरीके से सोल्डिंग करते हो, मतलब अगर आप कहीं सोल्डिंग करना चाहते हो तो सोल्डिंग नहीं हो पाती और अच्छे से रुक नहीं पाता और आयरन को आप कहीं भूल जाते हो, वो किसी भी चीज को जलाकर और यूं निकल जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाइस यार आज इस वीडियो में आपको एक प्यारा सा सोल्डिंग स्टेशन बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिससे जो आप बड़ी आसानी से सोल्डिंग कर सकते हो। सोल्डिंग करने में काफी आसानी जो आपको जो है होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छा है प्रोजेक्ट होने वाला है और काफी यूजफुल सा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। चलिए गाइस आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं इस तरीके की डाइबोर्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऊपर वाले भी यार पता नहीं कहाँ कहाँ से देते ये बैठा ही नहीं, खैर छोड़िए। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, देख सकते हो इस तरीके की प्लाई का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप जो है मतलब पीवीसी पाइप का तो यूज नहीं करना, वो थोड़ी मतलब आपको मोटे का यूज करना है हैवी का। तो लकड़ी जो है लकड़ी तो काफी बेटर रहेगी इस काम में, वैसे तो लड़की रहे वही काम में बेटर। यहाँ पर मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ये काफी अच्छी रहेगी। तो चलिए इस पर हम सारा जो है सिस्टम वगैरह करने वाले हैं, तो चलो इस पर कुछ कंपोनेंट वगैरह जो लगाने वाले हैं वो ला करते हैं। ऑस्कर, तो गाइस देखिए किस तरीके से ये रोड मैंने मुंह में से निकाल लिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस इस तरीके का मैं तार का यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके को जो है मोल्ड लिया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी से हमें अलपेटे देने हैं, जिस तरीके से नागिन नाच में नचना इस तरीके से इसे अलपेटे देने हैं। इसे अलपेटे देने के लिए तो यूज करने वाला हूँ इस तरीके की एक रोड का, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्राइपॉड वगैरह होते हैं ना उनका जो है लेग है मतलब टांग है जो मुर्गे की रहती है, छोड़िए। तो इस तरीके से इसे पकड़ गए और भाई साहब इसे जो है इस तरीके से पकड़ो। अरे मैं हाँ तो यूज करने वाला हूँ इस तरीके का, देख सकते हो इस तरीके से इसको मोड़ लिया है। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ फंटा, देख सकते हो। और इसे जो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं और फिर इसका मुंह सीधा कर देंगे, जैसे मेरा मुंह सीधा है। शाबाश बेटा, देख सकते हैं इस तरीके से ये भी फ्रेम है अटैच कर दिया है और यहाँ पर दो इस तरीके की जो है पाइप जो है खड़ा कर दिया है खंबे टाइप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके की दो क्लिप का, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि क्रोकोडाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो गाइस अब इन्हें जल्दी से इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं सोल्डिंग वगैरह करने के लिए, तो चलो इन्हें यहाँ पर जल्दी से फिक्स करते हैं। और फीचर डालने के लिए यहाँ पर मैं देख सकते हो क्या जुगाड़ यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कांटो वाला चम्मच है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसे जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो ये हमारे किस काम आने वाला है वह आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसका भी काफी अच्छा यूजफुल आइडिया है और काफी अच्छा इसका यूज है, तो चलो गाइस इसे भी चिपका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी अच्छे से लगा दिया। तो यहाँ पर हम यो यूज करने वाले हैं दो इस तरीके की कटोरी जो कि एलईडी बल्ब के रिफ्लेक्टर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनमें हम कंपोनेंट वगैरह या कुछ मतलब फ्लेक्स वगैरह से इसमें जो है रख सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें जो है लगा लेते हैं। तो चलो इसे भी चिपकाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है, काफी दिन और काफी रात और काफी सालों और काफी महीने और काफी हफ्तों और काफी दिनों बात आ गई। तो ये बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें हमने क्या क्या फीचर डाले हैं, क्या क्या इसमें जो है चेंजिंग की है, क्या क्या इसमें जो है
अगड़म बगड़म जो भी लगाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने ये दो इस तरीके की कटोरी लगाई थी एंड इस तरीके का एक छोटा सा रेगमाल का पीस लगाता था जो कि हमारे सोल्डिंग आयरन को शार्प करने में जो है काम आएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप देखो ये जो इस तरीके की एक पेन की रिफिल खड़ी कर दी है और इसमें जो पीवीसी पाइप की शीट लगा दी है और ये हमारे किस काम आने वाली है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का काट वाला स्पून जो है इसमें लगा दिया चम्मच और इस तरीके से ये जो है इसमें लगा दिया और दो इस तरीके की क्लिप वगैरह जो है लगा दिया। तो चलो गाइस अब इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से पहले कुछ और नहीं चलो टेस्टिंग ही कर चलो भाई। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो नासा का रॉकेट का मैं कुछ कंपोनेंट निकाल कर ले आया हूँ। ऐसा लगा मेरा मजाक, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस इस तरीके से यहाँ पर जो है ये छोटे मोटे कंपोनेंट हैं जो कि हम डिसोल्डिंग कर निकालते हैं या सोल्डिंग करते हैं। तो ये जो हमारी कटोरी देख रहे हो ये वाली बड़ी वाली इसमें जो आप इस तरीके से इसमें जो है रख सकते हो कंपोनेंट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो और इस तरीके से सोल्डिंग वगैरह कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो इसमें अपना पेस्ट वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो सोल्डिंग करने के लिए। और ये जो है किस लिए है अभी बताता हूँ। तो गाइस ये है नाइक्रोम वायर, सॉरी नाइक्रोम वायर नहीं सोल्डिंग वायर यहाँ पर आप देख सकते हो जिसे जो है रंगा कहते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देखो इस तरीके से आपको जो है लगा देना है और सिंपली इस तरीके से खंभे की तरह उस पर जो है खींचते जाना है मतलब। और ये जो इस तरीके से रखा रहेगा और यहाँ से सोल्डिंग कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला इस तरीके का सोल्डिंग आयरन यहाँ पर आप देख सकते हो और ये जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिक्स आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हुआ ना देसी जुगाड़ बिल्कुल मस्त। तो देख सकते हो जो कि अगर हम सोल्डिंग करने का वो लेकर आते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा जो है चीप पड़ता है तो इस वजह से हम जो है नहीं ले पाते। तो ये जो है बिल्कुल जुगाड़ तरीके से बन चुका है। चलिए गाइस इसमें मजे करते हैं हम। तो फाइनली गाइस अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अगर आप क्लिप देख रहे हो पास से दिखाता हूँ ऊपर से तो देख सकते हैं ये जो आप दो क्लिप देख रहे हो इनका क्या काम है। तो देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके के एक मदरबोर्ड है सिंपली आप जो इस तरीके से इसमें जो है लगा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो है लग चुकी है। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हो चम्मच जो कि हमने लगाया इसका क्या काम है देख सकते हो ये जो आप छोटा सा तार का पीस देख रहे हो अगर हम तार में सोल्डिंग करते हो तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है मतलब कहीं कहीं को भागता है। तो सिंपली आपको इस तरीके से इससे जो है यहाँ पर फंसा देना है। देखिए गाइस ये रुक चुका है बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने वाला। एंड इस तरीके से जो आप सोल्डिंग यहाँ पर जो है कर सकते हो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ये मदरबोर्ड बिल्कुल भी ज़रा से भी नहीं हिलने वाली और इस तरीके से कुछ भी कंपोनेंट निकाल वगैरह आ सकते हो। और चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ जिस तरीके से ये यहाँ पर लगाता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो और इसे निकाल देता हूँ। तो देख सकते हो और इस तरीके से आपको इस पर जो है सोल्डिंग करनी है तो आप जो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस पर सोल्डिंग वगैरह जो है कर सकते हो मतलब जरा सा भी नहीं लगा है और कहीं पर भी नहीं जाएगा तो आप जो है बड़ी आसानी से इस पर सोल्डिंग कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट वगैरह जो है लगा सकते हो। तो इनमें जो आप क्लिप में इस तरीके से मदरबोर्ड फांस सकते हो और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से तार लगाकर इसमें सोल्डिंग कर सकते हो और यहाँ पर नाइक्रोम वायर रख सकते हो मतलब तार रख सकते हो और यहाँ पर जो अपना पेस्ट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो फ्लेक्स जो भी यूज़ करते हो यहाँ पर रख सकते हो और कंपोनेंट वगैरह यहाँ से रख सकते हो और यहाँ से रेगमाल से जो है इस तरीके से ये जो है आयरन वगैरह इसकी बिट वगैरह सफ़ा कर सकते हो। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे इसमें जो है फीचर दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं आपको पास से दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये जो है काम भी कर रहा है और आप जो इस तरीके से सोल्डिंग वगैरह कर सकते हो और अपने कम खर्चे में जो है पैसे बचाकर और इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये सोल्डिंग स्टेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ये भी बताना। चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वे भी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।